हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे से हैं, बहुत अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं और बहुत खुशियां मना रहे हैं। अभी तो खैर आजकल छुट्टियों का सीज़न हुआ हुआ है, सो स्कूल जल्दी शुरू होने वाले हैं। आई एम रियली एक्चुअली वेटिंग के स्कूल जो है वो शुरू हो जाए और फिज़िकली स्कूल शुरू हो, बिकॉज मैं तो बच्चों, एक तो खैर बच्चे भी तंग आ गए हैं और मैं ऑनलाइन स्कूल से तो ऑनेस्टली तंग आ गई हूँ। बट एनी वे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग रिस्पॉन्स टू माई वीडियोज़। आप लोगों के इतने DMs आते हैं कि इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ, आपने ये वाली वीडियो देख कर एक्सपेरिमेंट किया तो आपको भी बड़ा अच्छा लगा वो एक्सपेरिमेंट करके, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग मेरे से कॉन्स्टेंटली शेयर करते रहते हैं, विच इज़ रियली अमेजिंग। आप लोगों की रिकमेंडेशंस पे ही जो है वो कुछ ऐसी वीडियोस मैं बनाती हूँ जो कि आप लोग देखना चाहते हैं, इवन दो कि बहुत सी ऐसी वीडियोस ऑलरेडी मेरे पेज मौजूद हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स आप लोग वेट लॉस के बारे में मालूम करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी मेरे पेज पे मौजूद है। आप लोग जो है मेरी स्किन के बारे में मालूम करना चाहते हैं, बहुत कुछ ऑलरेडी मेरे पेज मौजूद है, और एक्सरसाइज के बारे में वो भी मेरे पेज मौजूद है, और ऑफ कोर्स कि फाउंडेशन कैसे लगाना है, फाउंडेशन डार्क क्यों हो रही है, यू नो कॉन्टोरिंग कैसे करनी है, आईज को कैसे बड़ा करना है, लैशेस कैसे लगानी है, लाइनर लगाने का सही तरीका, लिप लाइनर लगाने का सही तरीका, लिप्स को कैसे बड़े करने हैं, यू नो इतनी सारी वीडियोस हैं वो मैं बना चुकी हूँ, और आप लोगों के साथ मैंने मेकओवर्स भी शेयर किए हैं, बल्कि अब जो है वो मैं मेकओवर्स और ज़्यादा भी करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेकओवर्स, रियल मेकओवर्स जो कि मेरे सलोन से जो है रिलेटेड होंगे, यू नो लाइक जो सलोन के ऊपर हम लोग जो मेकअप करते हैं उस किस्म की वीडियोस मैं शेयर करूंगी। तो लेकिन ओवरऑल आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, सो थैंक यू सो मच। टुडेज वीडियो इज आल्सो जो मैं सीरीज पहले से करती आ रही हूँ, जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ घर में मौजूद जो पाउडर्स हैं उनको लेके मैंने उनको इस्तेमाल किया है एज अ मेकअप सेटिंग पाउडर। तो अभी तक जो है वो मैंने कॉर्नफ्लावर, मैदा, आटा, बेसन, ये इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की हैं। आज जो है मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी टैल्कम पाउडर के साथ, यहाँ पे टैल्कम पाउडर मौजूद है मेरे पास, और टैल्कम पाउडर के साथ आज मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँगी। तो ऑफकोर्स सबसे पहले मैं लगाऊँगी अपने फेस के ऊपर फाउंडेशन, और जो कि मेरी ही ब्रांड का जो है फाउंडेशन है, द पम्प इट अप फाउंडेशन इन द कलर एंजल, और ये फाउंडेशन मैं इस्तेमाल करूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने फेस के ऊपर फेस पाउडर एज अ फेस पाउडर मैं इस्तेमाल करूँगी, ये टैल्कम पाउडर। तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ऑफकोर्स आप लोग खुद भी जो हैं वो घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप लोग भी मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा रिस्पॉन्स आया और क्या आप लोगों को इसके अंदर अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, और यू नो ऑल ऑफ दैट। तो लेट्स स्टार्ट विथ माई फाउंडेशन और फिर जल्दी से लगाते हैं फेस पाउडर, टैल्कम पाउडर लगाते हैं फेस में। ओके गाइस, अब मैं ले रही हूँ ये टैल्कम पाउडर, और टैल्कम पाउडर मैं आपके सामने थोड़ा सा मैं इसको अपनी प्लेट पे जो है वैसे करके ले रही हूँ, सो दैट आप लोगों को भी पता रहे कि ये मैं असल में टैल्कम पाउडर ही इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये आप देख सकते हैं मैंने अभी टैल्कम पाउडर निकाला है। ये एक पफ है जिसके साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं फेस पाउडर ब्रश के साथ नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं एक पफ के साथ लेके इस पाउडर को अपने फेस के ऊपर लगाऊंगी। ये है पफ मेरा, यहाँ पे ये पाउडर मैंने ले लिया है टैल्कम पाउडर, खुशबू तो इसकी अच्छी है ना। आई डोंट नो कि अगर हमें खुशबू वाली चीज़ें एक्चुअली अमूमन अपने फेस पे अगर आप एलर्जिक हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन क्योंकि फ्रेग्रेंस एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक एडिशनल एक इंग्रेडिएंट होता है, केमिकल इंग्रेडिएंट, इस वजह से लोग जनरली फ्रेग्रेंस्ड आइटम्स को अवॉइड करते हैं अपने फेस पर लगाने के लिए। बट अभी जो है मैं जो ये पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ टैल्कम पाउडर, ये फ्रेग्रेंस्ड है और
क्योंकि मुझे सच एलर्जिक रिएक्शन का नहीं है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, तो मैं आज जो है ये टैल्कम पाउडर लगाऊंगी ऑन माई फेस. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, आप देख सकते होंगे कि थोड़ा सा सफेद सफेद सा एक रंग आया है. अब ये देखूं कि मैं बाद में इसको रब ऑफ करने के बाद कि ये रंग जो है ये रहेगा कि ये हट जाएगा. ओके जी, मैंने हाफ फेस पे टैल्कम पाउडर लगा लिया है. अब जैसे कि हमेशा मैं एक ब्रश के साथ लेके उसको एक्सेस पाउडर को डस्ट ऑफ करूंगी. तो अब लेट्स सी, डस्ट ऑफ करने के बाद अभी तो मुझे फील हो रहा है कि काफी सफेद सफेद सा हो गया है, तो लेट्स सी डस्ट ऑफ करने के बाद इसका क्या रिजल्ट होता है. गाइस, नॉट बैड टू यूज टैल्कम पाउडर एज अ फेस सेटिंग पाउडर. ये आपके सामने मैंने आज ये टैल्कम पाउडर अपने फेस पे लगाया है और लगाने के बाद काफी स्मूथ हो गई है मेरी स्किन. फाउंडेशन सेट हो चुका है. यहाँ पे फाउंडेशन सेट नहीं हुआ है. आप लोग हल्का हल्का सा थोड़ा सा चिपचिप हुई मुझे फील हो रहा है. यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ हुआ हुआ है, ड्राई हो गया है फाउंडेशन. और इट्स गिविंग अ नाइस गुड फिनिश. सो कलर इतना नहीं है जो कि मैं सोच रही थी कि शायद एक सफेद सा रंग जो है वो आ जाएगा, तो वो कलर एक्चुअली नहीं है मेरे फेस पे. लेकिन थोड़ी बहुत ब्राइटनिंग ज़रूर मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी बहुत ब्राइटनिंग है. बहुत ज़्यादा ब्राइटनिंग नहीं है, थोड़ी बहुत ब्राइटनिंग हुई है. लेकिन एक्चुअली बड़े स्मूथ तरीके से ये मेरा जो फाउंडेशन है ये सेट हो चुका है. तो आई वुड अज्यूम कि अगर आप के पास घर में अपना पाउडर ख़त्म हो गया है तो आप ज़रूर इस किस्म की यू नो वक्ती तौर के लिए आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं जो घरेलू पाउडर्स हैं. आज मैंने टैल्कम पाउडर किया, मुझे बड़ा यू नो मतलब हैरत हो रही है कि ये भी बड़ी अच्छे तरीके से उसने मेरे फाउंडेशन को सेट कर दिया है. आई एम श्योर कि बहुत सी ऐसी खवातीन करती होंगी, पहले से भी करती होंगी घर में, क्योंकि मैंने पहले भी सुना है टैल्कम पाउडर इस्तेमाल करते हुए खवातीन को, लेकिन मैंने पर्सनली खुद कभी नहीं इस्तेमाल किया. अगर आपको फ्रेग्रेंस से एलर्जी है तो बिल्कुल उसको मत इस्तेमाल करें. लेकिन अगर आप वैसे जो है वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए. तो गाइज, आई वुड से आई एम क्वाइट happy with the result. I don't know कि अगर मैं उसको आइंदा कभी करूँगी कि नहीं करूँगी, चाहे वो मैदा हो गया या कॉर्नफ्लावर हो गया या आटा हो गया या बेसन हो गया, मैं कभी इसको आइंदा करूँगी नहीं करूँगी ये मैं नहीं कह सकती. लेकिन अब तक के लिए जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं और बड़ा मुझे एक रेवलेशन हुई है कि तो बड़ी यू नो लाइक मज़े की चीज़ है जो आप कर सकते हैं घर में. तो गाइज, आई होप आप लोगों ने आज मेरी वीडियो इन्जॉय की. ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पे हिट करें, कमेंट करें, फीडबैक दें और शेयर करें. टिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़.